इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। सोमवार की रात मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित चूना भट्टी इलाके में अचानक से हंगामा शुरू हो गया। मामला था जगदीश गायकवाड़, जो पनवेल महानगर पालिका में डेप्टी मेयर हैं, वो उस इलाके के एक बार में आए थे जहां पर बड़े पैमाने पर वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए थे और लगातार जगदीश गायकवाड़ के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही थी। ये पूरा मामला पिछले साल दिसंबर 2022 का है, जब जगदीश गायकवाड़ ने प्रकाश अंबेडकर, जो वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कही थी, जिसके बाद कई जगहों पर जगदीश गायकवाड़ के खिलाफ मुंबई समेत कई जगहों पर FIR भी दर्ज हुए थे। लेकिन इस मामले में कई बार जगदीश गायकवाड़ को अलग अलग थानों में हाजिरी तक लगानी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगी, जिसके बाद से ही लगातार वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जगदीश गायकवाड़ से बेहद नाराज थे। और कल जब उन्हें पता चला कल रात को कि ये जगदीश गायकवाड़ उनके इलाके में चूना भट्टी में आया है, तो सभी इकट्ठा हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जगदीश गायकवाड़ ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे, लोगों को मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आनन फानन में पुलिस को अपने खुद के कस्टडी में लेते हुए जगदीश गायकवाड़ को पुलिस वैन में डालने की कोशिश की सुरक्षा देते हुए, लेकिन कार्यकर्ता फिर भी नहीं माने और उन्होंने जमकर जगदीश गायकवाड़ की पिटाई कर दी। और इस हाथापाई में कुछ पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। वहां पे किसी तरीके से पुलिस ने जगदीश गायकवाड़ को निकाल तो लिया, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वंचित बहुजन अघाड़ी के, वो चूना भट्टी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और लगातार कई घंटों तक वहां पर प्रदर्शन भी हुए। अंत में पुलिस ने जगदीश गायकवाड़ को उनके ऊपर मामला दर्ज करते हुए फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कल देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा मुंबई के चूना भट्टी इलाके में देखने को मिला और जगदीश गायकवाड़, खास तौर पर जो डिप्टी मेयर पूर्व थे पनवेल महानगर पालिका के, उन्हें गोल्डन मैन के रूप से भी जाना जाता है। कैमरा पर्सन प्रतीक जाधव के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।